साउथ दिल्ली का बॉयज लॉकर रूम वाला पेज और एक एक चीज तीन शॉट बहुत वायरल हो रहे हैं। अगर किसी ने बिल्कुल नहीं देखा, किसी को बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं शुरू से मुद्दा बता देता हूँ। आप ढूंढेंगे तो शायद आपको सारे चैट्स के भी स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। लेकिन तब भी एक न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको ऊपर ऊपर डिटेल बताना चाहता हूँ कि साउथ दिल्ली के 17 से 18 साल के कुछ लड़कों द्वारा बनाया गया ये पेज, उसमें जो ये लोग बातें करते, उसमें ये लोग 13 से 14 साल की बच्चियों की फ़ोटो शेयर करते हैं, गैंग रेप और प्लैंड असॉल्ट और हर एक चीज़ को प्रमोट करते हैं बातों में। खुन के एक पैराग्राफ में ये लिखा है कि एक वायरल स्क्रीनशॉट है जो ये तक कहता है कि वी कैन रेप हर इजली एंड आई विल कम वेन एवर यू से वी विल गैंग रेप हर। ये क्विन ने भी अभी ऑफिशियली वेरीफाई नहीं किया अच्छे से, ये बस एक वायरल स्नैपचैट का स्क्रीनशॉट है। लेकिन तब भी उन उस ग्रुप में लगभग सब ने ऐसी ऐसी ही बातें की हैं। मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगभग पढ़े, मैं सबको यहाँ पर नहीं लगा सकता फिर से उन सबको पढ़ाना, और क्योंकि वीडियो के थ्रू ऐसी चीज़ें देना अच्छी चीज़ नहीं है, और लोग जिसको इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत पता होगा तो उस ढूंढ के पढ़ सकता है। ऑलरेडी वायरल है, किसी ना किसी के इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं स्टोरी में मिल जाएगा आपको। और एक लड़की और है जो सबके स्क्रीन सबके चैट्स को वायरल कर रही थी, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक तरीके का साइबर क्राइम है अगेंस्ट वुमेन। इसके लिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने भी उस मुद्दे को उठाया है और दिल्ली गवर्नमेंट पे पूरा ब्लेम भी किया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि साइबर सिक्योरिटी आपको सही रखनी चाहिए थी और इस तरीके के साइबर क्राइम को कंट्रोल में रखना चाहिए था, और अगर हो गया है तो स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि अभी तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट हमारे तक नहीं आई है, लेकिन उनकी लड़कियों के पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन अगर आएगी तो आईटी एक्ट 66E और आईपीसी 354C के तहत कंप्लेंट रजिस्टर होती है इसमें और कार्यवाही होती है आगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आप इन सब चीज़ों से बच के रहा करिए, कब कौन किसकी फ़ोटो का क्या यूज़ करके और किस तरीके से मजाक बनाता है ये आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये साइबर सिक्योरिटी वालों के हाथ में है, वो लोग नज़र रख सकते हैं। अब वही कि उनको भी कितनी परमिशन मिली होगी इंस्टाग्राम से हर वो चीज़ को एक्सेस करने के लिए, वो बात अलग है। क्या ये चीज़ गलत है? कोई इसको प्रमोट नहीं करता, किसी को इसको प्रमोट करना भी नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से जस्टिफाई भी नहीं करना चाहिए। अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो ऐसे लोगों को और ढील मिल जाती है कि हम इसको ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से कर ही ले जाएंगे। और इंस्टाग्राम से भी मेरी रिक्वेस्ट, अगर कोई इंस्टाग्राम ऑफिशियल देख रहा हो तो उसको भी थोड़े फिल्टर्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए कि इन सब चीज़ों पे चेक लगता रहे कि क्या क्या चीज़ें शेयर हो रही हैं। जैसे कि वो रखता है कि न्यूड्स अगर शेयर हो रहे हैं या फिर कोई पेज अगर न्यूड अपलोड कर रहा है तो पूरा बैन कर देता है, और कोई पॉर्न वीडियोज़ अगर शेयर हो रही तो पूरा आईडी डिलीट कर देगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भी थोड़ा उसको अपने फिल्टर्स और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। खैर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलता है, जय हिंद, वंदे मातरम।